जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आ चुकी है। इस फॉर्म से संबंधित जो जानकारी आपको जाननी चाहिए, जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कंप्यूटर के किसी सर्टिफिकेट जैसे DCA PGDCA की आवश्यकता है या नहीं, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल सकता है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी और चंद्रा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड। दोनों चैनल से जरूर जुड़े रहिए। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि भाई जो हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, जिसका सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में आपको एलोबरेट किया है, आप सभी सिलेबस से अवेयर है। सिलेबस का सबसे बड़ा सेक्शन 30% सेक्शन है आपका कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर से आपके पेपर में 30 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक, तो कंप्यूटर के 30 प्रश्नों में हम अधिक से अधिक अंक कैसे अर्जित करें, यही आज के हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है और इसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर पढ़ने के क्या तरीके होने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होने चाहिए, व्यापम की परीक्षा में कंप्यूटर का पैटर्न क्या है, हमें कैसे पढ़ाई करनी है, इस पर हम आज एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए भाई, कंप्यूटर में 30 में 30 अंक नहीं पाया जा सकता। पहला तो पॉइंट ये आप दिमाग में रख लीजिए कि भाई कंप्यूटर में आप 30/30 नहीं पा सकते हैं। क्यों नहीं पा सकते, उसके कुछ कुछ कारण है। कुछ कारण ये है कि भाई एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लीक से हट के क्वेश्चन होते हैं, जो सामान्यतः किसी बुक में नहीं मिलते, किसी नोट्स में नहीं मिलते, जो बिल्कुल लीक से हट के क्वेश्चन रहेंगे। तो एक आध क्वेश्चन आपको वैसा मिलेगा जो नहीं बनने वाला है। जितने फॉर्म भर रहे हैं, मान लेते हैं 1,00,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें इक्का दुक्का कोई होगा उससे वो बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, तो एक तो आपका वैसे चल दिया। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो व्यापम के द्वारा गलत आंसर ले लिए जाते हैं, या कुछ क्वेश्चन में गलती होती है, डिलीट हो जाते हैं, तो वो तो आपके लिस्ट से ही हट गया। तो मान के चलिए अधिक से अधिक जो आप क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं ईमानदारी से, 30 में 30 आपसे मैं बनवा दूंगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। मेरा आप ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन क्लास मेरी ज्वाइन कीजिए, मैं आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि 30 में 30 जो है असंभव के थोड़ा पास है। असंभव है ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ 30 में 30 मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, आप 27/30 में पा सकते हैं, इसकी तैयारी की मैं गारंटी आपकी ले सकता हूं कि जी हाँ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से हम चीजों को समझेंगे, मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा कि आप मुझसे पढ़ के भी पा सकते हैं, या मुझसे आप नहीं पढ़ रहे तो भी मैं आपके लिए कैसे अवेलेबल रहूंगा और आप कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं, उस पर हम विस्तृत चर्चा आज करेंगे। तो देखिए, 27 पाया जा सकता है और आज यही हमारा उद्देश्य है कि भाई 30 में अधिक से अधिक अंक, यानी कि 27 अंक हम कैसे अर्जित करें। वो 28 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है। 30 भी 30 कैसे होगा कि व्यापम के द्वारा कोई क्वेश्चन का आंसर उठपटांग न लिया जाए और कोई ऐसा बिल्कुल लीग से हट के क्वेश्चन ना आए, सारे ही बेसिक क्वेश्चन आए, तो जी हाँ जरूर 30 में 30 भी बनाया जा सकता है। लेकिन हम चलिए 27-28 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं और उस आधार पर चर्चा करते हैं। भाई सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ। कंप्यूटर का सिलेबस कुछ इस प्रकार का सिलेबस है। ठीक, कि ये हमारा भाग अ है जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है। कंप्यूटर ये सिलेबस का ही है, मैंने इसका ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया है ताकि आपको चीजें क्लियर दिखे, ना दिखे क्लियर तो भी मुझे आप बताइएगा। तो देखिए कुछ ऐसा है कि अगर हम कंप्यूटर के सेक्शन की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में 30 अंक के 30 प्रश्न होंगे, जिसमें 50% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। मतलब निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंक काटने के बाद भी आपके 15 अंक कंप्यूटर के सेक्शन में बनने चाहिए। अगर 15 अंक बनेंगे तभी जो बाकी आपका 70 का जो सेक्शन है वो चेक होगा और उसको मिलाकर मेरिट लिस्ट जारी होगी, नहीं तो नहीं। तो 15 तो कम से कम पाना ही है, इसीलिए पेपर बहुत जरूरी हो जाता है। प्लस 100 में 30% सबसे ज्यादा इसी से है, और दूसरा जो सबसे ज्यादा है वो गणित से है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल कंप्यूटर की चर्चा करेंगे, आने वाले वीडियो में हम गणित में भी अधिक से अधिक अंक कैसे अर्जित करें उसकी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम सिलेबस को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सिलेबस की बात करें तो पहला आपको करीब 11 सेक्शन दिया हुआ है, आप काउंट कर सकते हैं, मैंने इसे काउंट किया है, 11 सेक्शन दिया हुआ है। लेकिन इनमें से कुछ सेक्शन जो है वो कॉमन है, हम 10 सेक्शन मान लेते हैं, यानी लगभग सभी सेक्शन से 3-3 प्रश्न आने।
ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है क्वेश्चन को सेट करने के लिए कि सभी सेक्शन से लगभग तीन तीन प्रश्न, चूंकि 30 है तो आपके एग्जाम में तीन तीन प्रश्न सभी सेक्शन से आएंगे। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिससे प्रश्नों की वैरायटी बहुत बनती है, और कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत लिमिटेड वैरायटी के प्रश्न होते हैं। तो जी हाँ, जिसमें लिमिटेड वैरायटी के प्रश्न होते हैं उसमें हो सकता है तीन प्रश्न ना आए, उसमें हो सकता है एक आधी आ जाए, दो आ जाए अधिक से अधिक, और जिसमें प्रश्नों की वैरायटी ज्यादा बनती है उससे हो सकता है ज्यादा प्रश्न आ जाए। तो मैं आपको भी यही समझाने वाला हूं कि कौन कौन से सेक्शन आप कितने समय में तैयार कर सकते हैं, या मैं क्लासेस के टर्म में बोलूं तो जी हाँ, ये सब सेक्शन कितनी क्लासेस का मटेरियल होता है, और उस आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने कंटेंट है, उस आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं, मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय तो रहता है, इसका जो बड़ा हिस्सा रहता है वो रहता है कंप्यूटर की हिस्ट्री। ठीक, कंप्यूटर की हिस्ट्री से संबंधित आपके 2 से 2.5 पेज के ही फैक्ट हैं। अगर हम कंप्यूटर के हिस्ट्री और कंप्यूटर के परिचय से संबंधित क्लास की बात करें तो 1 से 1.5 क्लास में ये पूरा खत्म हो जाता है, 1 से 1.5 क्लास में खत्म हो जाता है, और 3 पेज में खत्म हो जाता है। 3 पेज का ये कंटेंट है, और आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो भाई 3 पेज पढ़ने के बाद यदि आपको 2 क्वेश्चन बन जा रहा है तो क्या बुरा है। तो इसीलिए जो हिस्ट्री वाला कंटेंट, और ये फिक्स है ना, इसमें क्वेश्चन आपको घुमा सकता है ना, कुछ एनालिटिकल पूछ सकता है, कुछ नहीं, हिस्ट्री है, फैक्ट है, जैसे कि पहला कंप्यूटर कौन सा है, पहला कैलकुलेटर कौन सा है, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, एनियक का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, एडसेक एडवेक का फुल फॉर्म क्या है, पहला प्रोग्राम को स्टोर करने वाला डिजिटल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं वही आपका किसके अंतर्गत आएगा, कंप्यूटर का परिचय। यहां पर इतिहास नहीं लिखा हुआ, सॉरी, लेकिन कंप्यूटर के परिचय के अंतर्गत आपको मान के चलना है कि इसके अंतर्गत हिस्ट्री वाला पोर्शन है। ठीक, तो मैंने आपको बताया इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, टॉपिक मैंने लगभग लगभग आपको बताया है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई आप, मैं, मेरे द्वारा ऑफलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है, आगामी सप्ताह में हम ऑफलाइन क्लास कंडक्ट करेंगे, और ये ऑफलाइन क्लास लाइव भी रहेगी। शुरू के कुछ दिनों में ये हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारी कंप्यूटर की क्लासेस हैं ये आपको फ्री में एज अ डेमो लाइव भी मिलेगी, फिर यदि आपको सही लगता है तो आप कोर्सेज ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कंप्यूटर की तैयारी के लिए जो सबसे जरूरी होता है, कंप्यूटर के व्यापम में आए हुए सारे क्वेश्चन को हल करके एग्जाम में जाना। आप मान के चलिए अगर 30 प्रश्न आपके एग्जाम में है तो 10 से 12 प्रश्न केवल पुराने क्वेश्चन ही होंगे, या पुराने क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उस आधार पे बने हुए क्वेश्चन होंगे। तो इसीलिए पुराने क्वेश्चन को समझते हुए, यानी हम एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसके 4 ऑप्शन उठाएंगे, और उस 4ों ऑप्शन को भी समझेंगे कि वो किस किस स्टेटमेंट के आंसर हो सकते हैं। इस प्रकार एक प्रश्न से हम 4-4 प्रश्नों की तैयारी करेंगे, और ऐसे ही तैयारी की एक वीडियो सीरीज जो YouTube में बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल्स में अवेलेबल होगी वो लेके जल्द से जल्द मैं आपके सामने उपलब्ध होऊंगा। तो आप एक तैयारी वहां से भी कर सकते हैं जो आपके लिए पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगी, आप मुझसे जुड़ के वो तैयारी कर सकते हैं, और एक तैयारी आप हमारी ऑफलाइन रिकॉर्डेड और लाइव कक्षाओं को ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। तो जो पहले से पढ़ रहे हैं, अवेयर है, जिन्हें रिवीजन करने की आवश्यकता है, उनके लिए ये फ्री में जो कंटेंट अवेलेबल होंगे वो काफी मददगार सिद्ध होंगे, और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, और कोर्स के डेमो लेक्चर भी आने वाले टाइम में अवेलेबल होंगे, मैं आपको उसकी जानकारी आखिरी में डिटेल में दूंगा। चलिए फिर से आगे आते हैं। फिर अगला जो सेक्शन दिया हुआ है कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर के उपयोग के तो कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अब बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, या निम्न में से किस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता है। ये बहुत सामान्य क्वेश्चन होता है, ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बिना पढ़े भी आप बना सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के उपयोग के अंतर्गत सबसे मेजर सेक्शन जो आता है वो है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के उपयोग के अंतर्गत क्या आता है भाई, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर जो है वो व्यापम के फेवरेट टॉपिक है।
यानी व्यापम में ढेर सारे प्रश्न उससे आते हैं और ये प्रश्न बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो कंप्यूटर के प्रकार के लिए हमें आवश्यकता होती है 3 क्लास की, ठीक, जिसमें हम पूरे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ते हैं। 3 क्लास में मान के चलिए लगभग लगभग 6 से 7 पेज का कंटेंट तैयार होता है हमारे नोट्स में, और इस 3 क्लास के अंतर्गत जो चीजें हम पढ़ते हैं उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं दिखने वाला है। आप मार्केट में बुक भी परचेस कर सकते हैं, जो भी आपको बुक मिले, लेकिन मैं मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल है सबको समराइज करके जो काम के कंटेंट है वो आपको मैं बताऊंगा। आप शुरू में डेमो कक्षाओं में इसे आप देख भी सकते हैं। तो जो ये 3 क्लास में हम 6-7 पेज पढ़ेंगे उससे आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आने वाले हैं, आराम से आएंगे, जिसके अंतर्गत सुपर कंप्यूटर की, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत में बना गया सुपर कंप्यूटर किस सुपर कंप्यूटर से प्रेरित है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, या एक नए पैटर्न के क्वेश्चन कुछ समय से व्यापम में आ रहे हैं कि भाई किस किस शैक्षणिक संस्थान में जैसे IIT और NIT में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर लगे हैं, कि भाई परम अनंत कहाँ लगा हुआ है, परम श्रीवा कहाँ लगा हुआ है, परम ब्रह्मा कहाँ, परम पद्मा कहाँ लगा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है और इसका हम पूरा कंटेंट तैयार करेंगे, बेफिक्र रही, ठीक। तो ये हो गया हमारा दूसरा सेक्शन जिसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं मैंने आपको बताया। तीसरा है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। तो कंप्यूटर के प्रमुख भाग आपके पूरे सिलेबस में ये पहला जो है ये बड़ा चैप्टर आया, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के प्रमुख भाग CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, और आउटपुट डिवाइस के ही अंतर्गत आपका आएगा प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर। ये आपके आउटपुट डिवाइस के ही प्रकार है, मतलब ये जो दोनों सेक्शन है ये मिला जुला सेक्शन है और ये दोनों सेक्शन काफी बड़ा सेक्शन है। ये जो दोनों सेक्शन है इसको पढ़ने में हमें कम से कम 6 से 7 क्लासेस लगती है, ठीक। और प्रिंटर तो मान के चलिए, प्रिंटर तो व्यापम का फेवरेट टॉपिक है और प्रिंटर से तो मतलब बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। तो प्रिंटर तो आपको रगड़ के पढ़ना ही है। अब कंप्यूटर के प्रमुख भाग में हम सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के कौन कौन से प्रमुख हिस्से होते हैं। एक इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंतर्गत कंट्रोल यूनिट ALU होता है, मेमोरी यूनिट होता है, फिर इनपुट डिवाइसेस पढ़ना हम शुरू करते हैं, ढेर सारी इनपुट डिवाइसेस होती है। आउटपुट डिवाइसेस लिमिटेड होती है कि भाई जैसा आपका प्रिंटर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, आपका स्पीकर हो गया, आपका प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस बहुत लिमिटेड है। अब प्रिंटर के कुछ कुछ प्रकार होते हैं, जैसे बेसिक कैटेगरी की हम बात करें तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट यानी जिसमें किसी प्रकार का स्ट्रोक रहेगा, उदाहरण के लिए आप टाइपराइटर समझ लो, ठीक, और नॉन इम्पैक्ट यानी जिसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रोक नहीं होगा, स्याही ऐसा छप रहा है। अभी फिलहाल के लिए आप यही समझ सकते हैं, आने वाले क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये आपके प्रिंटर से रिलेटेड कि भाई कौन सा लाइन प्रिंटर है, कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, किस प्रकार के प्रिंटर की स्पीड कैसे नापी जाती है, इन सबसे संबंधित प्रश्न होते हैं। तो ये जो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस वाला सेक्शन होता है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और इससे आपकी परीक्षा में पर्याप्त प्रश्न आते हैं। तो समझ में आ रहा है ये दोनों सेक्शन से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे इसके अंतर्गत टॉपिक होते हैं, ठीक। कहीं भी डाउट रहे आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। भाई इसके पहले के वीडियो में भी जो भी आपको डाउट रहा है कमेंट करके आपने पूछा है, इस वीडियो में भी जो भी डाउट रहे आप कमेंट करके पूछिए। बाकी जब हम वीडियो की सीरीज में आएंगे तो जब हम क्वेश्चन और उसके ऑप्शन देखेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे तो जो भी आपके डाउट क्लियर होंगे। भाई मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्यापम के द्वारा अगर कभी गलत आंसर ले लिया गया है तो वो भी प्रश्न कौन सा है, और व्यापम के द्वारा अगर कभी 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं और 3 बार अलग अलग आंसर लिया गया है तो वो भी प्रश्न कौन सा है, तो इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। आप मान के चलिए कि 2022 तक या 23 तक कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत कराऊंगा, ठीक। आपके एग्जाम की 12 क्वेश्चन की तैयारी तो फ्री में हो जाएगी, लेकिन 18 क्वेश्चन की तैयारी आपको किसी अच्छी बुक से, स्वयं से, या कोई कोर्स ज्वाइन करके करनी होगी, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है।
ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तीन बेसिक कैटेगरी होती है कि भाई एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग होता है और एक रियल टाइम होता है। अभी आपको सुन के नहीं समझ में आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है, यूजर के अकॉर्डिंग मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, टास्क के अकॉर्डिंग सिंगल टास्किंग, मल्टी टास्किंग, कोऑपरेटिव, प्रीएम्प्टिव, ऐसे बहुत सारे प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होते हैं, कुछ क्लोज्ड सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स यानी जिसके कोड फ्री में अवेलेबल है, ओपन सोर्स आपका कहलाता है। जिसके नहीं है वो क्लोज्ड सोर्स कहलाता है। तो एक बेसिक क्वेश्चन तो यही आता है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स है या नहीं है। तो इसका एक पूरा लिस्ट हमको रटना होता है कि ये जो है वो ओपन सोर्स है और ये ओपन सोर्स नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर की हम बात करें तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो चैप्टर है एक से दो क्लास में तैयार हो जाता है, एक से दो क्लास में, तीन से चार पेज का इसका कंटेंट बनता है और आपके एग्जाम में उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एग्जाम में अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो दो से तीन क्वेश्चन का ही ये सेक्शन। ठीक, अब इसके बाद अगला आते हैं इंटर वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी। इसके अंतर्गत आपको पूरा पढ़ना है एमएस ऑफिस, जिसके अंतर्गत एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, ये सारी चीजें आती है और इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, ढेर सारे। मतलब अगर आपके पेपर में हम बड़े सेक्शन की बात करें तो पहला बड़ा सेक्शन तो कंप्यूटर के भाग और इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, दूसरा बड़ा सेक्शन हो जाता है एमएस ऑफिस। भाई एमएस ऑफिस में विभिन्न सारे टूल्स होते हैं कि भाई फाइल न्यू कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे होता है उसका शॉर्टकट, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट लेआउट, सबका शॉर्टकट। उसके अलावा जो फॉन्ट स्टाइल होते हैं, बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, शेडो है, क्या है उसके लिए शॉर्टकट, क्या है, कैसा है, तो इससे संबंधित ना बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जब हम पुराने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो सबसे ज्यादा हमको ये एमएस वर्ड का ही क्वेश्चन दिखने वाला है आपके एग्जाम में। अगर मैं केवल इस सेक्शन से कहूं तो इससे भी 6 से 7 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो पहला इंपॉर्टेंट बड़ा सेक्शन क्या हुआ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा क्या होता है, एमएस वर्ड, ध्यान रहेगा। अब इसके आगे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्विंग लिख दिया है, सर्फिंग है एक्चुअल में, वेबसाइट सर्फिंग, सर्फिंग डॉक्यूमेंट सर्फिंग, सर्चिंग भी हो सकता है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक इनकी सिलेबस में है, उसको आप इग्नोर कीजिए। उसके अंदर क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, वो बेफिक्र रहिए, मैं आपको बताते जाऊंगा। सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, ठीक है। तो देखिए सरकारी विभाग आपको जितने भी है उसको रटना नहीं है। आपसे कभी कभार ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट क्या है, तो हम जब डोमेन नेमिंग सिस्टम पढ़ते हैं कि वेबसाइट का नाम कैसे डिजाइन होता है, जब हम वो समझ जाते हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा ऑप्शन देख के कि सरकारी वेबसाइट का सही नाम कौन सा दिया है। ठीक, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब इंटरनेट जो टॉपिक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा इंटरनेट और उसके उपयोग, और आखिरी में जो ये लिखा हुआ है गूगल, अल्ता विस्ता, यूट्यूब और इसकी सामान्य जानकारी, ये जो टॉपिक है ये सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है ना, ये दोनों मिला के मान के चलिए आपके एग्जाम के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अब इंटरनेट में अताह चीजें हैं, इंटरनेट मतलब तो इंटरनेट का आविष्कार, इतिहास से लेकर वर्तमान में आपकी 5G टेक्नोलॉजी तक, 5G टेक्नोलॉजी में इंटरनेट की स्पीड है तो 4G और 5G में क्या फर्क है, ये टेक्नोलॉजी है, कोई दो डिवाइस आपस में बात करती है तो कैसे बात करती है, अगर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उसको जोड़ा जाता है, जोड़ने की विभिन्न टेक्निक होती है जिसे हम टोपोलॉजी कहते हैं, तो स्टार टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत हमें पढ़नी है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, भाई POP प्रोटोकॉल क्या होता है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल क्या होता है, IEEE प्रोटोकॉल क्या होता है, OSI प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके अंतर्गत ISO प्रोटोकॉल क्या है, इसके अंतर्गत प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, मैं अभी आपको 30 नाम ले दूंगा, हो सकता है जो कंप्यूटर सुने हैं वो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं और जो कंप्यूटर अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके सर के ऊपर से जाएगा। तो अभी हम पढ़ नहीं रहे, अभी हम समझ रहे हैं कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अब जो चीज से आप अवेयर है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है गूगल, अल्ता विस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, तो जितनी बड़ी बड़ी IT कंपनी है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, आपका इन कंपनी को शुरू करने वाले कौन है, इनके फाउंडर कौन है,
और वर्तमान में इनके सीईओ कौन है, और वर्तमान में इनके सीईओ अगर कोई भारतीय व्यक्ति है तो वो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको पढ़ना ही है। ठीक, तो इस प्रकार से इन सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब उसके बाद आता है आपका एंटीवायरस, लिख दिया एंटीवायरस है, वो बेसिकली एंटीवायरस के उपयोग, वायरस से होने वाले नुकसान और सामान्य जानकारी। अब इसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के वायरस के प्रकार पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के एंटीवायरस के प्रकार आपको पढ़ना है, और जो साइबर सिक्योरिटी एक इसके अंतर्गत सेक्शन होता है जो यहाँ पर लिखा नहीं है। साइबर सिक्योरिटी मतलब किस किस प्रकार के साइबर अटैक हो सकते हैं। जैसे आप एक सामान्य शब्द सुनते हैं, हैक हो गया, हैकिंग हो गया, तो हैकिंग क्या है, एक सामान्य शब्द है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। आपका हैकिंग होता है, स्पूफिंग होता है, स्पूलिंग होता है, आपका सलामी अटैक होता है, बहुत सारे ऐसे अटैक की आपका DOS अटैक होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक होता है, बहुत सारे अटैक के प्रकार हैं, और ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ चुके हैं, तो इन्हें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले। ठीक, अब इसके बाद है आपका मल्टीमीडिया, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट के उपयोग। तो भाई ऑडियो वीडियो की जो बात है, ऑडियो के विभिन्न सारे प्रकार, जैसे आप सुने होंगे MP3, MP4, AVI, ठीक है, .WAC, WAV, ये सब आपने सुना होगा, ये सब ऑडियो फाइल के प्रकार है। वैसे वीडियो आपने सुना होगा MP4, MKV, आपका WMV, तो ये सब वीडियो फाइल के प्रकार है। तो इमेज फाइल के प्रकार, वीडियो फाइल के प्रकार, यही सब आपका मल्टीमीडिया टॉपिक कहलाता है। टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो मिलके बनता है आपका मल्टीमीडिया। अब उसके अंतर्गत बहुत सारी कैटेगरी होती है, और इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन यही है, जैसे आपने सुना होगा इमेज के प्रकार में JPEG, GIF, PNG, मोस्टली इसके फॉर्मेट और इसकी कुछ विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो अगर हम एंटीवायरस वाले सेक्शन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी बनता है, और मल्टीमीडिया की हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी बनता है। अब ये जो एक सेक्शन लिखा हुआ है CD/DVD संबंधित सामान्य जानकारी, तो जब हम कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हम एक मेमोरी यूनिट भी पढ़ते हैं, और वही हम ये CD/DVD वाले सेक्शन को देखेंगे। इसीलिए मैंने कहा एक कंप्यूटर के भाग और प्रिंटर, ये बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के प्रमुख भाग आर्किटेक्चर, जिसके अंतर्गत इनपुट आउटपुट यूनिट, तो ये आउटपुट यूनिट वाला आपका पूरा ये प्रिंटर के प्रकार है, और कंप्यूटर के प्रमुख भाग में मेमोरी यूनिट है, और मेमोरी यूनिट के अंतर्गत ही ये आपका CD/DVD से संबंधित जानकारी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इसीलिए बड़ा और इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, और इसको हमें काफी अच्छे से पढ़ना जरूरी भी है। ठीक, तो ये है आपके कंप्यूटर का पूरा सिलेबस। ठीक, अब इसमें हम आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, ये तो मैंने आपको सिलेबस की एक सामान्य जानकारी बताई, और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपको जानना जरूरी है। ठीक, मैंने साथ ही आपको ये बताया है कि किन किन टॉपिक को पढ़ने में कितना समय लगता है, और किन किन टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आपकी रणनीति यहाँ पर यह बननी चाहिए कि जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको डीप में रगड़ के पढ़ना है, और जिन टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं, कंटेंट लिमिटेड है, उसे भी कंठस्थ करना, उसे छोड़ देना, ऐसा नहीं छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, जो हो सके जहां से हो सके आपको पढ़ना है। ठीक, अब चलिए कुछ और अन्य बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी जो कर सकते हैं वो विद्यार्थी हैं जो काफी समय से, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अवेयर है, उन्हें सेल्फ स्टडी ही करना चाहिए। सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं उनके लिए मैं फ्री वीडियो सीरीज लेकर के आऊंगा। ठीक है, फ्री वीडियो सीरीज जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर के व्यापम में आए हुए आज तक के सभी क्वेश्चन को देखेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, और वो चारों ऑप्शन किन किन प्रश्न के आंसर हो सकते हैं, सब पे हम चर्चा करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन के साथ हमारी 4-4 क्वेश्चन की तैयारी होते जाएगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, दोनों चैनल, मेरा चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और चंद्रा एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड से जुड़े रहिए, आपको यहाँ इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, तो ये फ्री वीडियो सीरीज हम कंप्यूटर के लिए भी देखेंगे और मैथ्स के लिए भी देखेंगे। मैथ्स के लिए मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, आज हम केवल कंप्यूटर की ही चर्चा कर रहे हैं। तो ये फ्री वीडियो सीरीज आपको अवेलेबल होगी। ये फ्री वीडियो सीरीज से आज बोल रहा हूं मैं, और जिस दिन एग्जाम आएगा हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। आपका 10 से 15 क्वेश्चन तक की तैयारी इसी वीडियो सीरीज से हो जाएगी, मेरी गारंटी। ठीक,
यानी पास तो मैं आपको फ्री में करा रहा हूं, लेकिन हॉस्टल वार्डन बनना है, स्कोर करना है, तो सेल्फ स्टडी करके आपको मेहनत करना पड़ेगा, या आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, आप सिर्फ कंप्यूटर के लिए भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक, फ्लेक्सिबल कोर्सेज है, या पूरा का पूरा हॉस्टल वार्डन के लिए भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे के पूरे हॉस्टल वार्डन के लिए भी यदि हम बात करें तो तीन मेजर सेक्शन है, पहला आपका तो कंप्यूटर है, दूसरा आपका मैथ्स है, और तीसरा है आपका बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान बहुत सरल है, 8-10 क्लास में वो कंप्लीट हो सकता है, छोटा सा सेक्शन है, 10 प्रश्न उससे आने वाले हैं। तो पूरे हॉस्टल वार्डन के लिए हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, जिसकी फीस मात्र 1999 रुपए है। वैलिडिटी आपको 3 महीना दिखाई देगी, लेकिन एग्जाम तक उसकी वैलिडिटी हम आपको देंगे। हमारे एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड करके ऐप को कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, ये क्या है आपका ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स, ध्यान रखेंगे ये क्या है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है। दूसरा ऑप्शन, आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं चंद्रा एकेडमी में, जिसकी अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और उस नंबर में कांटेक्ट करके चंद्रा एकेडमी के ऑफिस आकर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक। आगामी सप्ताह में जल्द से जल्द ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट होगी, चंद्रा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है वहां आपको तुरंत मिल सके, ठीक। इसके अलावा यदि आप सिर्फ कंप्यूटर विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन है केवल रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स की फीस है मात्र 499 रुपए, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट कंप्यूटर का अपडेटेड रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा ही, और आने वाले समय में जो मैं लाइव क्लासेस लूंगा उसमें जो भी नई क्लासेस बनेंगी वो भी आपके कोर्स में ऐड कर दी जाएंगी, ठीक। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, आप रिकॉर्डेड नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको रेगुलरिटी चाहिए, तो आप यदि लाइव क्लास करना चाहते हैं तो कंप्यूटर के लिए आप मेरी ऑफलाइन क्लास या लाइव क्लास दोनों ज्वाइन कर सकते हैं चंद्रा एकेडमी में। आने वाले सप्ताह में जल्द से जल्द क्लासेस शुरू होने वाली है, तो आप ऑफलाइन क्लास और लाइव क्लास दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, और दोनों की फीस कितनी रहेगी, 1000 रुपए, ध्यान रहेगा। तो दोनों में से अगर आप कोई एक ज्वाइन करते हैं तो उसकी फीस है मात्र 1000 रुपए, ठीक। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए यदि आपको डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कंप्यूटर के किसी प्रश्न में डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो, कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, किसी भी विषय का डाउट हो, आप मुझसे निशुल्क कभी भी बेझिझक होके पूछ, भाई डाउट पूछने के लिए कोई शुल्क नहीं है, निशुल्क बोलने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, आप बेझिझक होकर कभी भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हमने काफी विस्तृत चर्चा कर ली है कंप्यूटर के बारे में, मैंने कोर्सेज के बारे में भी आपको बता दिया है। आने वाले वीडियो में गणित विषय की तैयारी हम सटीक तरीके से कैसे कर सकते हैं, 25 में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। सॉरी। तो चलिए, आने वाले वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।